नमस्कार सभी दोस्तों को। हाँ सर, नमस्कार। गुड आफ्टरनून दोस्तों। जल्दी सो जाओ तैयार सभी। पूरे कंप्लीट पेपर का अपन सॉल्यूशन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, एक बार सभी जुड़े हुए हैं, वो जल्दी से शेयर भी कर दे, ताकि जो भी एग्जाम दे के आए हैं वो अपन से सब जुड़ सके। धीरज जी, अशोक, हाँ जी, चालू करते हैं अपन क्वेश्चन का। और देखो, अपन के बहुत ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई टफ आया है क्वेश्चन, पूरा पैटर्न एकदम हुआ वो वही आया है जो अपन ने पढ़ा है। तो मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आई होगी क्वेश्चनों में, और बढ़िया आराम से 10 क्वेश्चन अपन से पूछे जा रहे हैं, तो अपन को दिक्कत होनी नहीं चाहिए कोई भी। हाँ भाई, सभी एक बार जुड़ जाओ जल्दी जल्दी। पहले अपन के रीजनिंग के क्वेश्चन निकाल लेते हैं अपन। और ये अपन के क्वेश्चन आ गए हैं अपन के सामने, यहाँ पे देखो दोस्तों। पहला क्वेश्चन 116 नंबर जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। राधे राधे सभी को, राधे राधे। हाँ दोस्तों, जुड़ जाओ एक बार, बहुत इजी क्वेश्चन आया है। और देखो, पहला क्वेश्चन ये अपन से पासे से पूछा गया है, डाइस के अंदर से क्वेश्चन अपन का आया था। एक पासे की दो विभिन्न स्थितियाँ नीचे दिखाई गई है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों मुझे, कैसे इसको अपन हल करते हैं। देखो, यहाँ समझते हैं इसको, आपसे किसका अपोजिट पूछा है। तो इसने 5 का अपोजिट पूछा है दोस्तों। और मुझे बताओ, 5 का अपोजिट अगर अपन को निकालना है, तो 5 का अपोजिट अपन से पूछा है, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बताओ। मैंने कहा था, जब भी दो डाइस दे रखे और दोनों में कोई भी एक अंक समान हो, तो उससे अपन क्लॉकवाइज चलते हैं। और दोस्तों, इन दोनों में क्या समान है मुझे बताओ। दो ही समान है, 2, 4 और 1। ये अगर इधर से अपन सोचते हैं दोस्तों, तो मुझे आप ही बताओ, 2 का अपोजिट 2 तो होगा नहीं, ये 6 और ये 3, बोलो बचा क्या 5। और आपसे दोस्तों 5 का अपोजिट पूछा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ मुझे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी दोस्त मेरा डी ऑप्शन करके आया है, एकदम राइट आंसर है। हाँ जी, बिल्कुल डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, जिसका भी आया है एकदम राइट आंसर था। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, यस, इस पेज पे तो एक ही क्वेश्चन है अपन का, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं अपन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, ये तर्क का क्वेश्चन किया है दोस्तों। अब इनका तो आपको पता है, इसमें आपको खुद के अपन के अकॉर्डिंग अपन को सोचना पड़ता है। हाँ जी, विकास, हाँ जी, देखो इधर, ये आपको एक तर्क वाला दिया है, तर्क का क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, तर्क। देखो यहाँ पे, ये तर्क वाला दिया है दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले इनका कोई डायग्राम होता नहीं है, आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। ये तर्क पूछ रहा है, कौन सा तर्क मजबूत होना चाहिए, कथन क्या था, क्या लोगों द्वारा आयकर को टोल देना चाहिए। कथन है कि क्या लोगों द्वारा आयकर को टोल देना चाहिए। अब इसमें जो तर्क दिया है, कथन तो ये बोला, तर्क क्या है, हाँ कर अत्यधिक उच्च है, ये कह रहा है, नहीं है कल्याण कार्यों को बाधित करेगा। तो देखो एक बार, जो आयकर को उनको टोल देना चाहिए, जितने भी आयकर हैं क्या उन सभी को टोल देना चाहिए। तो इसमें तर्क मजबूत और कमजोर के लिए पूछा है आपसे, तो मुझे बताओ, हाँ अत्यधिक उच्च है, तो ये तो कह रहा है कि जो करे वो एक अत्यधिक उच्च होना चाहिए, तो ये बात तो तर्क मजबूत है नहीं है दोस्तों, उच्च तो नहीं होना चाहिए। और ये कह रहा है, हाँ यह कल्याण कार्यों को बाधित करेगा, तो बिल्कुल ये कल्याण जो कार्य है उनको भी क्या करेगा, बाधित करेगा। जैसे मान के चलो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आया है वो बड़ी मात्रा में आया है, तो उस पर अगर अपन देखें तो कर की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, तो वो बाधित करेगा। तो इसमें जो देखा जाए तो तर्क नंबर 2 इसमें ज़्यादा मजबूत दिख रहा है मुझे, तो ये बी ऑप्शन भी गलत है। ये कह रहा है, यदि दोनों फर्स्ट और सेकंड तर्क मजबूत है, नहीं, यदि न तो फर्स्ट और नहीं सेकंड मजबूत है, ये बात भी गलत है। यदि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है, ये भी ठीक नहीं है, यदि केवल तर्क सेकंड मजबूत है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आर के मीना, आपका राइट आंसर है, विक्रम सिंह, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तर्क ज़्यादा मजबूत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, यस। इधर समझते हैं अगला क्वेश्चन,
और इसको तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि आपने टाइम भी लगाया होगा। अभी आप अपना नोटबुक खोल के देखो, सेम टू सेम इमेज अपन ने अपनी नोटबुक के अंदर बना रखी है, केवल इसने ये 3 डाइस एक्स्ट्रा जोड़े। तो दोस्तों इसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले कोई भी एक वर्ग हो, चाहे रेक्टेंगल दिया गया हो चाहे स्क्वायर दिया गया हो, उसके कितने भी पार्ट आपको दे दे, अगर एक गुणा का चिन्ह उसके अंदर दे रखा है तो दोस्तों मैंने कहा है आप नंबर दे लिया करो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और बोलो 6 का डबल कितना हो गया दोस्तों, 12 तो ये हो गए, और अगर देखा जाए तो 1, 2 और दोनों मिलाकर 3 यहाँ से हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे बताओ इसमें कितना आंसर आ जाएगा, 15। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी करके आए इसका भी वो एकदम राइट आंसर है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी जो भी करके आए एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 119, ये कह रहा है 2, 12, 36, 80, 150। देखो दोस्तों अगर और इस पर अपन सोचेंगे तो और कई सीरीज के लॉजिक निकल सकता है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आप देखो, अगर अपन यहाँ पे देखें गुणा से सोचे तो ये गुणा से कोई भी प्रॉपर लॉजिक इसमें बैठ नहीं रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन इसको सोचे तो मैंने कहा था जब कोई भी लॉजिक नहीं आए तो एक सबसे बढ़िया रामबाण तरीका होता है अपने पास, और वो होता है डिफरेंस का डिफरेंस लेना। आप इन सब का डिफरेंस ले लो, बताओ मुझे कितने का डिफरेंस है 10 का, यहाँ बताइए मुझे कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितने का 24 का डिफरेंस। आगे मुझे बताओ कितने का डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ दिख जाएगा आपको 44 का डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही आगे मुझे बताओ कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 70 का डिफरेंस दिख रहा है दोस्तों। आप जब भी आपको कोई सीरीज बनती ना दिखे तो आप वापस उनका डिफरेंस लेके देख लो, और अगर बताओ मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो इन दोनों में मुझे कितने का अंतर दिख रहा है बताओ यहाँ पे, तो ये 14 का डिफरेंस दिख रहा है आपका यहाँ पे। अगर आगे मैं बात करूं तो 20 का डिफरेंस है, तो दोस्तों और आगे देखो कितने का डिफरेंस है, तो आगे यहां पे 26 का डिफरेंस है, तो मेरे लाडलो यहां पे 32 का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर यहां 32 आएगा तो बोलो यहां कितना होना चाहिए 102, और बोलो अगर यहां 102 आएगा तो यहां कितना आ जाएगा, तो 150 और 102 कितने हो गए बताइए मुझे यहां से आपके, तो 252, और 252 ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। तो ये डिफरेंस के डिफरेंस से आपका कंप्लीट बैठ रहा है यहाँ पे, 252 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मुझे बताओ ये बात भी आपके समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। उसके बाद में देखो दोस्तों गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता रहा कि गणित संक्रिया से देखो क्वेश्चन आता है आता है आता है, एकदम सिंपल लॉजिक इसके अंदर आया है, और मुझे लगता नहीं कि इसमें किसी को दिक्कत आई होगी। देखो समझते हैं कैसे, ये कह रहा है 124 भाग को बदला जाए किससे, तो भाग को ये प्लस से बदल रहा है, ये मैं यहाँ पे प्लस से बदलता हूँ, माइनस को दोस्तों ये किससे बदल रहा है, तो माइनस को ये भाग से बदल रहा है, ये मैंने भाग से बदल दिया, प्लस को ये गुणा से बदल रहा है, और जो गुणा है उसको माइनस से चेंज कर रहा है, ये गुणा का अर्थ है माइनस, तो ये माइनस से चेंज कर रहा है किसको गुणा को। देखो सबसे पहले बोर्ड मास नियम के अनुसार अपन भाग लगाएंगे, और यहाँ भाग लगाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं भाग लगाता हूँ तो 8 का भाग अगर 32 में लगाऊंगा तो मैं 4 आएगा, ठीक है, और इसको अगर मैं गुणा 2 से करता हूँ तो ये 8, और 124 पहले से ही है, तो 124 प्लस में 8 माइनस में आप क्या करोगे दोस्तों यहाँ से 11, इसको अपन ऐड करते हैं तो 132, और 132 में से 11 जाएंगे तो 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सभी का सही आया होगा, बी ऑप्शन नहीं बताएं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं अपन का। ये दिशा से एक क्वेश्चन आया है, बड़ा इजी क्वेश्चन आया है दोस्तों। क्या बोल रहा है, ए 10 मीटर पूरब की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो कोई भी ए है, यहाँ से मैं इसको पूरब की ओर चलाता हूँ, ये पूरब की ओर चला और कितना चला दोस्तों 10 मीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, और दोस्तों दाएं मुड़ता है, और दाएं मैंने इसको दाएं की ओर मोड़ा और कितना चला वही 10 किलोमीटर, ये 10 मीटर चल रहा है तो 10 मीटर मैंने चला दिया यहाँ पे। फिर आगे कह रहा है फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और क्रम से 5, 15 और 15 मीटर चलता है, तो ये इसका बायां, बायां का मतलब मैंने बताया घड़ी की उल्टी दिशा एंटी क्लॉकवाइज, और दायां का मतलब बताया मैंने घड़ी की दिशा क्लॉकवाइज। तो मुझे बताओ इसका एंटी क्लॉकवाइज इधर, यानी ये बायां स्टार्टिंग में कितना दोस्तों 5, फिर उसके बाद में बायां, बायां वापस किधर है ऊपर, यानी कितना 15, तो ये 10 था तो इससे ऊपर निकालो दोस्तों, ये 15 यहाँ पे, फिर वापस किधर ना वही 15 एंटी क्लॉकवाइज, और ये इसका वापस 15 एंटी क्लॉकवाइज बोलो यहाँ होगा। तो मुझे बताओ आपसे बोला है प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो मुझे आप ही बताओ, आपको समझाने के लिए मैं इसको मानता हूँ ये 10 है, तो ये भी कितना 10, तो दोस्तों ये कितनी बच गई 5, अगर ये 5 है तो दोस्तों ये भी कितनी आ जानी है 5, तो अपने प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है वो, तो 5 मीटर की दूरी पर है। क्या मुझे बताओ ये बात भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। देखो अगर आप बात करें, यदि ये कह रहा है सी ई जी को कोड में लिखा गया है, टी एस आर, एफ एच जी को कोड में लिखा है, क्यू पी ओ, ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना है आई के एम को किस
उसी में कोड में लिखा जाएगा। तो ये अपन को देखना है यहाँ पे कि किस कोड में इसको लिखा गया है। तो अगर अपन बात करें यहाँ से तो देखो ये कितने नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे और ये 18 नंबर पे। क्या देखिए आप लगातार तीनों नंबर दिए गए हैं आपको यहाँ पे। ऐसे अगर अपन यह बात करें यहाँ से तो ये 17, ये 16 और ये 15। देखो दोस्तों ये भी आपके लगातार कोड में दिए गए हैं, तो आप कोड ढूंढने से बढ़िया है तो आप इसमें देख लो तीन ही वर्ण का आपसे पूछा गया है। तो यहाँ मुझे बताओ ऑप्शन से इस क्वेश्चन को अपन सोच सकते हैं। और देखो एक बार समझने की कोशिश करना सभी, और मुझे आप बताओ यहाँ पे देखो ये 13, 12 और 14 लगातार नंबर नहीं है, 14, 15 और 12 लगातार नंबर नहीं है, 14, 13 और 12 बताइए दोस्तों क्या लगातार नंबर है क्या? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन आया है पंक्ति से, देखिए यहाँ से 128 नंबर क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। देखो क्या कह रहा है ये आपसे, क्वेश्चन नंबर 128 अगर अपन समझें तो देखिए एक बार और गौर करो समझने के यहाँ से सभी से। हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो क्लियर करते हैं। ये कह रहा है ए बी सी डी एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ई और एफ केंद्र के मध्य में है, ठीक है, ए और बी दोनों छोरों पर है, सी ए के बाईं ओर बैठा हुआ है, जो सी है वो किसके बाईं ओर बैठा हुआ है, ए के। तो मुझे बताओ ए आप जब इधर बैठा होगे तभी तो सी इधर बैठ सकता है, ये दायां छोर हो गया। और मुझे बताओ सी ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ए और क्वेश्चन ने कहा ई और एफ मध्य में है, तो ई और एफ कहाँ पर बैठे हुए हैं, मध्य में बैठे हुए हैं दोनों, ठीक है, और ए और बी दोनों अगर किनारे पर है तो ये दाएं साइड बैठ गया, तो यहाँ पे कौन बैठना है, बी। अब बताओ एक ही व्यक्ति बचा जिसको आप बैठा सकते हो और कौन बचा दोस्तों, डी बचा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या मुझे बताओ समझ में आई ये बात? 129 नंबर क्वेश्चन है, एक बार आप समझना सभी क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में 479 का कोड दिया गया है आपको, फ्रूट्स इज स्वीट। आगे बोल रहा है 248 का कोड दिया है, बेरी स्वीट बॉयस। उसके बाद में ईट का कोड यहां पे कोड दिया है, 673 का कोड दिया है, ईट फ्रूट डेली। आपसे इज का कोड पूछा है दोस्तों। अगर अपन बात करें यहां से तो देखो फ्रूट्स दोनों में कॉमन दिख रहा है अपन को, इसमें भी है और इसमें भी है, और तो यहाँ से देखो वैसे तो कंप्लीट आप हल भी कर सकते हो, तो ये यहाँ से ये सात तो मैंने इसमें काट दिया। अगर मैं बात करूँ तो स्यूट इसमें भी दिख रहा है, ये स्यूट का कॉर्ड भी कट गया, आपसे केवल इज का कॉर्ड पूछा दोस्तों। और बताइए मुझे इज का कॉर्ड क्या हो जाएगा इसमें, 9, और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिसका भी आया राइट। और अपन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए यहाँ से उमंग ने उषा से कहा, उमंग ने उमा से कहा कि तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो। यस दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते ही दिमाग में आ रहा है आंसर तो, लेकिन डायग्राम बना के बताता हूं। उमंग ने उमा को कहा, किसने, उमंग ने किसको कहा, उमा को कहा तुम मेरी माता, यानी बात किससे स्टार्ट है, उमंग से स्टार्ट है, तुम मेरी माता, यानी ये उमंग के माता और पिता बना दिए मैंने। मैं डायग्राम से बताता हूँ ना, ऐसे तो आंसर दिख ही रहा है मुझे, ससुर आ रहा है, पर फिर भी देखो उमंग ने उमा से को कहा तुम मेरी माता, ये उमंग की माता हो गई दोस्तों, तुम मेरी माता के पुत्र। अब बताओ इसका पुत्र कौन होगा, इसके बेटे का बेटा, पुत्र बोला हुआ है तो यहां से ये इसका भी मैं कौन मान लेता हूं, बेटा, पुत्र, यानी ये पुत्र की पत्नी है, पुत्र की पत्नी है कौन, उमा, पुत्र की पत्नी कौन है दोस्तों, उमा। ये यहां से आपका डायग्राम कंप्लीट। उमंग का उमा से क्या संबंध है, और मैंने कई बार बताया है जिसके साथ से लगा होता है वह हमेशा बोलता है, और मुझे बताओ से किसके साथ लगा हुआ है, उमा के साथ, तो कौन बोलेगी यहां से, उमा बोलेगी किसको, उमंग को, और क्या बोलेगी बताइए दोस्तों, ससुर। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। क्या मुझे बताओ कैसा लगा आपको, बताइए यहाँ से। देखिए दोस्तों और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से करके आए होंगे, और सभी का एकदम राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन आए मैथ के, तो सर आपकी मैथ के लिए आने वाले हैं अभी, तो आप एक बार तैयार हो जाइए मैथ के लिए भी, और एकदम सटीक एनालिसिस चल रहा है दोस्तों आपका, आप अपनी आंसर की इससे चेक कर सकते हो। हाँ भाई बहुत बढ़िया, लो सर।
हाँ भाई नमस्कार दोस्तों। तो आपने रीजनिंग के क्वेश्चन देखे और आपको पता भी लग गया होगा कि आप क्या करके आए हो और कितने सही और कितने गलत है। तो चलो देखिए मैथ्स के बारे में देखते हैं अपन। तो मैथ के क्या क्या क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन रहे हैं वो देखते हैं। देखिए वैसे तो जो हमने MCQ चलाई थी CET के लिए उससे बाहर मैथ का कोई क्वेश्चन गया नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन तो आपके पास ये था, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 121 क्या था आपके पास में, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। और 20% बराबर क्या होता है, तो अपन कहेंगे 1/5, यानी यहां से मूलधन कितना 5 रुपए, 1 साल का ब्याज कितना 1 रुपए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर, 20% की वैल्यू 1/5, मूलधन अगर 5 रुपए तो ब्याज कितना 1 रुपए। आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 500 और कितना बना सकते हो 100। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे मूलधन के 20% के, यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी आपसे समय पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ यहां से अपन ने क्या किया, भाई 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है और 20% की वैल्यू 1/5, यानी मूलधन कितना 5 रुपए, ब्याज कितना 1 रुपए। तो आप यहां से अपन ऐसे कह सकते हैं भाई, तो यहां पे देखिए ब्याज अगर 100 रुपए तो मूलधन कितना 500 रुपए। सबसे पहले अपन यहां से देखिए ये 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का निकालो तो अपन कहेंगे 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना 20 रुपए। वही मूलधन यहां 500 रुपए, ब्याज मैंने 100 रुपए मान लिया। 5 साल का ब्याज अगर 100 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना 20 रुपए। तो यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं दर, तो 20 रुपए ब्याज है कितने रुपए का 500 का गुणा कितना 100, यहां से अगर काटोगे तो 5 का 20, यानी दर कितनी आ गई 4%। अब आपके पास में दर 4% आ चुकी है, अब तुम चाहते हो कि मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए दर 4% है, 4% की वैल्यू 1/25, मूलधन कितना 25 रुपए, यहां से 1 साल का ब्याज कितना 1 रुपए। आपको तो 500 चाहिए तो क्या करोगे 20 से, ये भी किससे 20 से। अब तुम चाहते हो, तुम्हारे पास में 1 साल का ब्याज 20 है और तुम चाहते हो कि ब्याज कितना हो जाए 500, तो आप मुझे बताइए कितने साल के लिए। तो यहां से आप काटोगे सीधा आंसर कितना जाएगा 25 वर्ष, और यही आपका क्या है आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, 320 तथा 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं, मध्य की का मतलब है देखिए 320 छोड़ना है, अगली सम संख्या लेनी है, 350 के बीच यानी 350 को छोड़ना है, इसके पहले के लिए लेना है। तो आप मुझे बताओ 320 के बाद में कौन सी आएगी, तो आपने कहा 322, फिर यहां देखो 300 कितना 48। आप मुझे बता सकते हैं कि समांतर श्रेणी का औसत क्या होता है, तो अपन कहेंगे फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स डिवाइडेड बाय कितना 2, यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बटा कितना 2, इन दोनों को प्लस करके यहां से अपन 2 का भाग देंगे, तो 300 और 300 670 का आधा करना है, यानी कितना 335, और यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 बताइए क्या करके आए तुम लोग इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, एक्स की आई वाई की आई से 10% ज्यादा है। यहां देखो इसको एक्स अनुपात वाई अनुपात, अपन को जेड चाहिए। तो आपसे कह रहा है कि एक्स की आई वाई की आई से 10% ज्यादा है, जो एक्स है इसकी जो इनकम है वाई से कितनी 10% ज्यादा, 10% की वैल्यू 1/10, अगर इसकी 10 है तो ये एक ज्यादा कितनी 11। फिर आपसे कह रहा है y की i z की i से 20% कम है, y की जो इनकम है z से कितनी कम है 20, और 20% बराबर 1/5, अगर ये 5 है तो ये 1 कम कितना 4,
अब तो अपन को रेशोई बनाना, इधर कितना शिफ्ट 10, इधर कितना 4, यानी 44:40, 40:50 कितना 50। अगर कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, तो अभी कट रहा है 2 से, ये 22:44, ये 20:40 और ये 25:50, यानी 22:20:25 और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का क्या था आंसर। ऋषि राज मीना सर मेरे मैथ रीजनिंग में पूरे सही है, बिल्कुल अच्छी बात है, होने भी चाहिए। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन था आपका, एक आयत का आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। देखिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें देखिए आपको इस क्षेत्रफल की जरूरत नहीं पड़ती, अपन क्या करते हैं यहां पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट कर लेते हैं, और समकोण त्रिभुज की अगर ट्रिपलेट पता है और भी फास्ट हो जाएगा। क्या कह रहा आपसे, एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 कोई मतलब नहीं है। फिर आपसे कह रहा है यदि विकर्ण की माप 25 मीटर, जो इसका विकर्ण दे रखा वो कितना है 25, ये 25 है, तो अपन समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट जानते हैं 3:4:5 कितना 5, तो ये 5 का 5 गुणा है, अगर ये 5 गुणा है तो ये भी कितना होगा 5 गुणा, यानी इसको 5 से गुणा करोगे तो कितना 20, इसको 5 से गुणा करोगे तो कितना 15, अगर ये 25 है तो ये कितना 15, यहां से ये कितना 20। अब देखो यहां पे 20 और ये भी 20 होगा और ये भी कितना होगा 15, तो आपको करना क्या है परिमाप, परिमाप का मतलब बाउंड्री का योग, तो आप क्या करोगे 20 और 20 40, 40 और 30 कितना 70, यानी ऑप्शन ए यही आपका आंसर है, कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन आपके पास में था लाभ हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस से, जो भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचता है, समान मूल्य पर बेचने का मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या है समान है, पहली बकरी पर उसे 10% का प्रॉफिट होता है और दूसरी बकरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो आपसे इतनी सी बात पूछ रहा था कि फाइनली सौदे में क्या हुआ, तो आप देखो यहां से कह रहा 10% लाभ कमाता है, 10% बराबर 1/10, यानी 10 रुपए की बकरी कितने रुपए में बिकी 11 में। फिर कह रहा जी दूसरी बकरी पर क्या हो रहा है 10% की हानि, 10% बराबर 1/10, यानी 10 की बकरी कितने में 9 में। अगला कह रहा है ये देखो अपन ने क्रय मूल्य लिखा है और इधर आपका क्या है विक्रय मूल्य, क्या करेंगे विक्रय मूल्य समान करेंगे किससे गुणा 11 से, ये भी किससे 11 से, इसको किससे 9 से, ये भी किससे 9 से, तो इधर देखो पहली बकरी कितने की 90 की, दूसरी कितने की 110 की, टोटल कितना 200 अनुपात, यहां से देखो कितने की 99 की, दूसरी भी 99 की, अगर आप टोटल करोगे तो 198। कहने का मतलब फाइनल रिजल्ट ये मिला कि 200 रुपए का जो आपका आइटम था वो 198 में, यानी यहां से कितने का 2 का कितने पे 200 पे गुणा कितना 100, क्या करोगे 100 से 2 बार और 2 से 2, फाइनली 1% की क्या हो जाएगी हानि, और यही आपका आंसर है यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आपके ये मैथ के क्वेश्चन थे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन थे नहीं, ठीक है। बाकी जो अब आगे के जो सर इंग्लिश वाले आ जाएंगे तो इंग्लिश के सोल्व करो, ठीक है। तो अब आगे मनीष सर आ रहे हैं और वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है वो सोल्व करवा देंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम जो सेट का पेपर था 8 तारीख का, उसका शिफ्ट 1 का, यानी कि आपकी टोटल जैसे शिफ्ट 3 है, ये मतलब तीसरी शिफ्ट मान लो, इसे शिफ्ट 1 ना मान करके शिफ्ट 3 मान लो, तो शिफ्ट 3 का पेपर सॉल्व करा रहे,
कहने में ही आ रहा है, सुनने में ही आ रहा है कि पेपर का नॉर्मल मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा अच्छा ऐसे कह नहीं सकते कि बहुत डिफिकल्ट पेपर था। तो देखिए मैं अभी आपको इंग्लिश के सॉल्यूशंस करा रहा हूँ, और इंग्लिश के सॉल्यूशंस की मैं बात करूँ मेरे लाडलो, तो इंग्लिश में देखो कई सारी चीज़ें मैंने आपको क्लासरूम के अंदर करा रखी है, वो देखते हैं अपन। ये देखिए पैसेज के क्वेश्चंस के आंसर्स अगर देखें तो यहाँ पर अभी पैसेज तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं तो आपको सीधा आंसर पर लेकर चलता हूँ कि यहाँ देखिए आंसर्स क्या क्या होंगे। अगर अपन देखें दोस्त, ध्यान से सुनना, कि अपन को अपोजिट ढूंढना है शेमफुली का। शेमफुली माने होता है शर्म पूर्वक या शर्म के साथ, शर्म के साथ। अगर अपन बात करें शर्म के साथ, जानते हो ना आप शेमफुली का मतलब क्या होता है, शर्म के साथ। अब देखिए शाइंग शर्माते हुए, ये इसका सिनोनिम हो गया। एनवीएबल ईर्ष्या के साथ, वीकनेस कमजोरी, और अनअबेस्डली, अनअबेस्डली अबेस्ड मानी होता है शर्मिंदा होना, और अनअबेस्डली मानी होता है बिना शर्म के, यानी कि बेशर्मी से। तो अपोजिट हो गया ना इसका, तो अपन का सी आंसर यहां पर अपोजिट वाला हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कौन सा फॉलोइंग वर्ड पैसेज में वेरी डिजायरेबल मतलब है, मतलब वेरी डिजायरेबल मतलब होता है बहुत ज्यादा इच्छित, जो जिसकी बहुत ज्यादा अपन ने इच्छा की रखी हो। तो एनवीएबल तो ईर्ष्या वाला हो गया। अडोरेबल मानी होता है प्रिय और स्नेही, मिलनसार, जिसकी हमें बहुत ज्यादा इच्छा हो, जिसकी हमको बहुत ज्यादा चाहत हो। इंस्पायर्ड प्रेरणास्पद क्लींच, ये आपका हट जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि अगर हम देखें कि कौन सा जो पेज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, मतलब ऐसा एक पेज जो कि चॉकलेट से रिलेटेड है। तो देखो यहां पर बेस्ट फीड टेस्टी, टिंकी किचन, अर्थ लोफ और टेस्ट मेड। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक दे रखा देखो कि सो आई एम स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोफ, पेस्केटी एंड मैस्कन एंड कंपनी, व्हेन आई फाइनली फाउंड ए जिम आई लाइक्ड विद द बेस्ट ट्रेनर। तो यहां पर अर्थ लोफ आ रहा है, विद माय कैलकुलेशन डार्क चॉकलेट इज हेल्दी। तो डार्क चॉकलेट अभी हेल्दी होते हैं, और मैं स्टिल फॉलोइंग अर्थ लोफ, मैं अभी भी अर्थ लोफ फॉलो कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेज रिलेटेड टू चॉकलेट, तो देखो यहां पर आपका आंसर आएगा अर्थ लोफ, चॉकलेट है। अब देखिए यहां पर अगर अपन बात करें कि फ्रेंड्स, फ्रेंड से पहले क्या आ सकता है, तो देखो नन तो प्रोनाउन है, अपन को डिटरमिनर भरना है, तो फ्रेंड से पहले नन नहीं आ सकता, नो आ सकता था, नो आ सकता था, नन नहीं आ सकता। मच अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ये नहीं आएगा। द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है, ये नहीं आएगा। तो देखो द फ्यू आएगा, मतलब इसमें तो ऐसा भी नहीं दिया कि द फ्यू और ए फ्यू में से चूज करो या ऐसा कुछ। अब तो आप मुझे ये बताओ कि आपका ना कौन कौन से आंसर सही है, कितने सही है। अब देखिए प्रपोजिशन की बात कर लो, कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, ऐसा ही क्वेश्चन शिफ्ट टू में भी आया था। देखिए द ट्रेन मेट, अब मीट के साथ मिलना, मीट विद, तो मीट विद एन एक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। और ये देखो अकर के साथ टू आता है, अकर टू मी, मेरे दिमाग में आया कि मैंने आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाए थे तो उसके अंदर ये मैंने पढ़ाया था कि अकर टू मी। इसके बाद में ही हैज बीन, देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंस फोर का प्रयोग आएगा, और आईयर आ रहा है तो यहां पर फोर आएगा, ठीक है ना। इधर देखिए कि वाइज पीपल डू नॉट बिलीव इन, बिलीव के साथ फिक्स प्रपोजिशन कौन सी होती है, इन, बता रखिए कि नहीं, बताओ हाँ या ना, बता रखिए। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें विद, टू, फोर और इन आ रहा है। तो यानी कि पहले ऑप्शन में विद किधर है, तीसरा, तीसरे के बाद दूसरे में टू, यानी कि चौथा। तो तीसरा और चौथा किधर किधर आ रहा है, इधर नहीं है हटा दो, तीसरा चौथा इधर नहीं है हटा दो, तीसरा चौथा इधर नहीं है हटा दो, ये रहा थर्ड एंड फोर्थ, ओके। अब देखिए अगला, अगला देखेंगे, हाँ ये आपका नरेशन है, नरेशन देखिए। आशिन सेड, आशिन ने कहा, आशिन ने क्या कहा देखना, कि आशिन ने कहा कि सेलाई एवर बिन ए गोल्ड मेडल, कि क्या कभी मैं गोल्ड मेडल जीतूंगा। तो देखिए आशिन ने कहा कि क्या मैं कभी गोल्ड मेडल जीतूंगा, तो आशिन आस्क्ड, आशिन ने पूछा इफ, तो देखो एक्सक्लेम्ड इफ होगा नहीं, सैड इफ होगा नहीं, वॉन्डर्ड इफ नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो क्या करना है, लेकिन कहा तो देखो, सुनो मेरी बात, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपन को, और कि इधर देखना, यहाँ पर आसन ने कहा तो आई शैल, आई का आसन हो जाएगा तो ही हो जाएगा, और शैल का या तो शुड करना चाहिए इनको या फिर बुड करना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर शैल है हटा दो, यहाँ पर शैल है हटा दो, यहाँ पर शैल ये इधर इधर दे रखा है हटा दो, ये वाला सही होगा, ही वुड एवर बीन ए गोल्ड मेडल। तो यहाँ पर आशिन बॉन्डर्ड इफ, कि आशिन को आश्चर्य हुआ कि क्या वो कभी मेडल जीतेगा, गोल्ड मेडल जीतेगा, ये आएगा आंसर।
जी अब बताइए आप लोगों के सही निकल रहे हैं क्या आंसर, बता दीजिए फटाफट से। जी हाँ, अगला देखिए, अगला है कि द मीटिंग वॉज, मीटिंग को क्या कर दिया गया, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, बुरे मौसम की वजह से। देखो मैं फ्रेजल वर्ब की लगातार क्लास ले रहा हूँ शाम के टाइम, वहाँ पे भी देखी होगी आपने कि कॉल ऑफ, कॉल इन यानी विजिट करना मिलना होता है, कॉल बैक यानी कि वापस किसी को रिमाइंड कराना होता है, कॉल बैक रिमाइंड कराना होता है, और कॉल ऑफ यानी कैंसिल करना होता है। तो यहाँ पर आपका मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया, यहाँ पर सी ए एन सी ई एल आएगा, कैंसिल आएगा, क्या आएगा, कैंसिल। तो देखो द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जगलर, गो फॉर द जगलर का मतलब होता है हमला करना, क्या करना बेटा, हमला करना, तो गो फॉर द अटैक ऑल आउट हो जाएगा। देखो स्यूडोनिम का मतलब होता है झूठा नाम, ये मैंने याद करा रखा है सभी को, तो स्यूडोनिम यानी झूठा नाम, छद्म नाम, तो देखो झूठा नाम मैंने वोकैब में पढ़ा रखा है ये स्टार्टिंग में, तो झूठे नाम को रियल नेम नहीं कहते, लीगल नेम नहीं कहते, नेम ऑफ द एडिटर नहीं कहते, फिक्शीसियस नेम कहते हैं। मैं अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने जूते और मोजे उतार देता हूँ, तो मैं उतार देता हूँ, आई टेक आउट माई शूज एंड सॉक्स, एट द टाइम नहीं आएगा क्योंकि पहले की इंग्लिश बिफोर होती है, तो बिफोर में दो चीज़ बच रही है, तो यहाँ पर देखो आई एंटर, आई यहाँ पर आई नहीं आ रहा, तो ये गया, ये वाला भी गया, आंसर आएगा सी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अब देखिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि कितने सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो आए हैं, क्लासरूम के अंदर पढ़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ तक कि आप लोगों को मैथ सॉल्व करवाई गई, आपने रीजनिंग भी देखी, अभी इंग्लिश भी देखी। अभी मैं आपको नागर सर को बुलाऊंगा, प्रेम प्रकाश नागर जी, प्रेम प्रकाश नागर जी आएंगे और अभी पॉलिटी के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, वो आपको बताएंगे कि पॉलिटी के किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, कितना उसमें दम था, कितना नहीं था, नॉर्मल थे, बेसिक थे, क्या थे, और उनके आंसर्स आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है ना। तो बुलाता हूँ मैं नागर सर को, आ जाओ सर। अच्छा ठीक है, जब तक अभी सर आ रहे हैं तब तक मैं आपको बता देता हूँ। देखो पेपर के जो लेवल की बात करे जाए ना दोस्त, अभी आज हम शाम को जो कंप्लीट अभी पेपर अपने जो हो गए हैं, चारों पेपर हो गए ना, तो चारों पेपर के बाद में आज शाम को लगभग 8:30 बजे के लगभग एक स्ट्रीम बन जाएगी, हम चर्चा पर चर्चा करेंगे कि आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, और आप एक बार हमारे साथ जुड़िएगा जरूर उस चर्चा पर चर्चा में कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है, आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं, हम ये पूछेंगे, क्योंकि सभी बच्चे पेपर देने गए हुए हैं, हमारे भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स पेपर देने गए हुए हैं। तो मिलते हैं दोस्त, और अभी इसके बाद पुष्पल सर आओगे, हाँ तो देखते हैं दोस्तों, अभी अपने जो राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुरू से ले लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखते हैं अभी सारे क्वेश्चन, देखें पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे, संत हरिदास राजस्थान के क्या कहा जाता है, वाल्मीकि, जो
अपने आप में वो एक डाकू के बेस में रहते थे संत हरिदास जी। तो रामेश्वरी निम्बार्क है और निरंजनी है अलखिया संप्रदाय, तो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, इनका संबंध है आपके निरंजनी संप्रदाय से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरंजनी संप्रदाय। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने सभी ने आशा करता हूँ सही किया होगा, क्योंकि सारा जो पेपर है वो केवल केवल कोचिंग के नोट्सों से ही आ रहा है, जो आपको पढ़ा है उससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, शानदार है। और जो यहाँ पे जो पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपके निरंजनी। उसके बाद में देखेंगे आप अगला क्वेश्चन देखेंगे आप राजस्थान जीके का। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों से सैन्य सहायता दी? तो अंग्रेजों को जो सैन्य सहायता थी तो बाडलू नामक स्थान पर गए थे, बीकानेर के शासक थे, उनका नाम था सरदार सिंह। तो सरदार सिंह इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1857 की क्रांति को दबाने के लिए पंजाब एकमात्र राजस्थान के राजा 1857 की क्रांति के दौरान जो राजस्थान से बाहर गए पंजाब के बाडलू नामक स्थान पर, उनका नाम क्या है, सरदार सिंह। ये दो क्वेश्चन तो हमारे इस पेज पर हुए। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य स्थान सुमेलित नहीं है? लोकनाट्य सुमेलित नहीं है, यानी सीटी के सिलेबस में ये दे नहीं रखा फिर भी ये क्वेश्चन डाला गया है, तो कोई नहीं है अपन ने पढ़ाया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य, रम्मत, बीकानेर, जैसलमेर, बिल्कुल सही है, तमाशा जयपुर में सही है, तुरा कलंगी चित्तौड़ वगैरह में होता है इसलिए मारवाड़ दे रखा है, इसका आंसर यही गलत होगा, तुरा कलंगी, और नौटंकी भरतपुर धौलपुर ये सही है। अगला देखेंगे, इलान देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो ये जो कहावत है किसकी है, यानी कौन से ग्रंथ से है, वीर सत्सई है, कानड़ देव प्रबंध है, वंश भास्कर है, पृथ्वीराज रासो है। तो इसका सही आंसर माना जाएगा वंश भास्कर, जिसके रचनाकार हैं सूर्यमल मिश्रण। इसके क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण, यानी वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण इसके क्या है, रचनाकार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा उदयपुर, क्या होगा, उदयपुर। लोक कला मंडल कहाँ पे है, उदयपुर में है। उसके बाद में ये करंट का क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अंचिता शरत कमल को देने की घोषणा की है। तो इनका जो संबंध है वो है टेबल टेनिस से, किससे है, टेबल टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, यानी उत्सव भोज योजना है, यानी मिड डे मील थी, इसका नाम यह रख दिया उत्सव भोज योजना, तो इसका हो जाएगा मिड डे मील, है ना। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो इसका जो समझौता करवाया था वो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो कत्था जो निकाला जाता है आपको बताया था मैंने आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा खैर। कौन सा, खैर। कथोड़ी जो जनजाति है वो खैर के पेड़ से कत्था निकालती है, तो खैर का पेड़ हो जाएगा जिससे कत्था निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यह देखेंगे आप, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मंड गायन में सिद्धत नहीं थी? तो गौरीबाई बिल्कुल थी, मन्नो बेगम बिल्कुल थी, अल्लाह जिल्ला बाई थी, गुलाबो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध क्या है, नृतांगना। कालबेलिया जो नृत्य है उसकी क्या है, प्रसिद्ध नृतांगना थी, तो नृतांगना है ये क्या है, गायक गायन शैली में सिद्धस्थनी थी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका गुलाबो। उसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है, बड़ोली कोटा में शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो बड़ोली में जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया वो करवाया गया मिहिर कुल के द्वारा। किसके द्वारा, मिहिर कुल के द्वारा शिव मंदिर का क्या करवाया गया था, निर्माण, तो इसमें हो जाएगा सी आंसर। उसके बाद में, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो बीकानेर के जो महाराजा अनूप सिंह थे उनके दरबार में एक कवि रहता था जिसका नाम था भाव भट्ट। संगीत मीमांसा, संगीत राज, ये सारे के सारे जो ग्रंथ लिखे थे वो लिखे थे भाव भट्ट ने। किसने, भाव भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा भाव भट्ट। उसके बाद में है ओंगणिया, अंगूठिया, सुरलिया और आभूषण पहने जाते हैं। तो ओंगणिया, अंगूठिया, सुरलिया, ये दोस्तों कानों में है, मैंने आपको बताया था
एक बेरंग मोर में टोटी मुर्गी पीपल के पेड़ पर लटके हुए गोटियां खेल रहे थे अचानक, और पास में मेला देख रहे थे, उनके कानों ने कुछ सुन लिया, सुन लिया से हो जाएगा सुर लिया, ठीक है, गोटिया से हो जाएगा अंगोटिया, क्या हो जाएगा अंगोटिया। ये जो सारे के सारे आभूषण है वो किससे हैं, कान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा धोलावीरा, कौन सा हो जाएगा धोलावीरा, धोलावीरा जो सभ्यता है इसको विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी, तो ये की गई थी 2020 में। राता नाड़ा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, रातानाड़ा जोधपुर में, कहाँ पे है, जोधपुर, जोधपुर हो जाएगा इसका। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान के नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, राजस्थान के नरसिंह, नरसिंह कहा जाता है कवि दुर्लभ जी को, किसको, कवि दुर्लभ जी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन थे, सागरमल गोपा, सागरमल गोपा, जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हो जाएंगे, सागरमल गोपा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो माणिक साहा को, किसको, डॉक्टर माणिक साहा थे उनको मुख्यमंत्री के बनाया गया है त्रिपुरा में। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से उनके द्वारा लड़े जाने के वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी, यानी पहला युद्ध कौन सा हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ, देखते हैं अपन। गागरौन का युद्ध हुआ था 1519 में, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में, और मावली का युद्ध हुआ था 1540 में, 1540 में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके, पहला तो आ जाएगा कौन सा, यानी सारंगपुर का युद्ध, यानी दो वाला, तो दो वाला इसमें भी है, उसके बाद में आ जाएगा गागरौन का, एक दो एक दो एक, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा सी। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था, तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में, 1585 में, जो 1614 ईस्वी तक ये राजधानी रही थी, इसलिए जो ये राजधानी वाला क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है, महाराणा प्रताप के चावंड वाला, तो 1585। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमीरहट नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, हमीरहट, तो हमीरहट जो लिखा गया था दोस्तों वो लिखा गया था चंद्रशेखर के द्वारा, किसके द्वारा, चंद्रशेखर ने इसकी क्या की थी रचना, तो हमीरहट हो जाएगा चंद्रशेखर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा नेता शामिल नहीं था, तो इसमें टीकाराम पालीवाल भी था, और उसके बाद में हम बात करें टीकाराम पालीवाल के बाद में मंगल सिंह शर्मा, शोभाराम कुमावत था, किशनलाल जोशी, ये तीनों शामिल थे, ये कौन नहीं था, मंगल शर्मा, तो वो कह रहा है कौन नेता, यानी भरतपुर राज्य के प्रजामंडल में निम्न में से कौन एक नेता थे, कौन एक नेता थे, अच्छा तो कौन एक नेता थे, एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ, कट तो नहीं गया है, 47वां क्वेश्चन है, 47वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं एक बार, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 47वां क्वेश्चन, 47वें क्वेश्चन में है, भरतपुर निम्न में से कौन एक नेता थे भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में, तो शोभाराम कुमावत, अलवर, किशनलाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, किशनलाल जोशी, इसका आंसर हो जाएगा किशनलाल जोशी, क्या हो जाएगा सी, किशनलाल जोशी का संबंध है भरतपुर प्रजामंडल से, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, यानी मंगल, मैं सोचा ये नहीं पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है एक नेता थे, तो टीकाराम पालीवाल इनका नहीं है, अर्थात शोभाराम कुमावत है, ये अलवर से संबंधित है, मंगल शर्मा वैसे ही दे दिया, किशनलाल जोशी हो जाएगा, है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे इसमें, हाँ, जेल के अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल, जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी, तो मैंने आपको लिखाया था बाल मुकुंद बिस्सा, कौन था, बाल मुकुंद बिस्सा, है ना, 1,00,000 इनकी अंत्येष्टि में कम से कम 1,00,000 लोगों ने क्या लिया था, भाग लिया था, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है, राजस्थान का क्या कहा जाता है, जतिन दास, जतिन दास के नाम से जाना जाता है इनको, बाल मुकुंद बिस्सा को, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला देखेंगे आप, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल जो स्थान था वो कौन सा था,
कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा था? तो मूल स्थान जो था दोस्तों वो था कालीखो पर्वतमाला। कौन सी? कालीखो पर्वतमाला। तो कालीखो पर्वतमाला यानी आमेर के जो आमेर पर मीणाओं का क्या था? अधिकार था। तो कालीखो पर्वतमाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा प्रथम के बारे में सही है? कालीबंगा जो कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता के बारे में कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा है। देखिए, कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। प्राग हड़प्पा अग्निवेदी का साक्ष्य मिली है, बिल्कुल सात अग्निवेदी का मिली है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। कालीबंगा की खोज इतावली इंडोलॉजिस्ट लुईगी पियो टेरिसिटोरी के द्वारा की गई। तो दोस्तों इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा इसकी क्या की गई खोज, अर्थात इसका आंसर गलत हो जाएगा, यानी डी सही है। यानी डी इसका आंसर क्या माना जाएगा? सही। अगला देखेंगे आप, राजस्थान में पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में। बालक हॉकी जो स्थापित की जा रही है वो कहाँ पे की जा रही है? उदयपुर में। आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है? आवानेरी राजौरगढ़, तो ये दोनों के दोनों संबंधित है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार से। किससे हैं? गुर्जर प्रतिहार है, उनसे संबंधित हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार इसका क्या हो जाएगा? सही है ना। 2023 का भारत जी शिखर सम्मेलन में भारत प्रतिनिधित्व करेगा, कौन करेगा? भारत। इसका आंसर हो जाएगा भारत। उसके बाद में है आपका, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो देखें, अच्छा क्वेश्चन है गोपाल सैनी वाला। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? तो इसका आंसर होगा ब्लू पोटरी। कौन सा? कृपाल सिंह जो शेखावत है वो उसका भी ब्लू पोटरी से है, और गोपाल सैनी है उसका भी किससे है? ब्लू पोटरी से। आपको जो मैंने PDF दी थी उसमें साफ साफ लिख रखा है गोपाल सैनी का संबंध किससे है? ब्लू पोटरी से है। तो ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया है। अगला देखेंगे आप, किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजार महिलाओं ने भाग लिया था? तो हजारों महिलाओं ने भाग लिया था, वो लिया था किशोरी देवी के नेतृत्व में, जो किसकी पत्नी थी? हरलाल सिंह की क्या थी? पत्नी थी, है ना, किशोरी देवी। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा किशोर। और इसमें जो ओजस्वी भाषण दिया था वो किसने दिया था? हाँ, मोहर सिंह गुजर। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून भाई साहब। हवा टाइट कर दी सर। अरे कुछ नहीं है, सीधा है, नॉर्मल है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, देखें भाई, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, बेली किशन रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी थे? तो मैंने कहा था आपको अकबर के। किसके दरबार में? अकबर के। बेली किशन रुक्मणी की रचना की थी पृथ्वीराज रासो ने। किसने? पृथ्वीराज रासो ने, और पृथ्वीराज राठौड़ ने। क्योंकि इसको जो पृथ्वीराज को एक दुर्ग था गागरौन का दुर्ग। कौन सा? गागरौन का दुर्ग। और गागरौन दुर्ग पड़ता है आपके झालावाड़ में, ये जागीर में दे दिया, और जागीर में दे दिया तो तब पृथ्वीराज राठौड़ ने इसी दुर्ग में रहते हुए अकबर के समय बेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। मैंने ये भी बताया था आपको दुरसा आड़ा ने इसे पाँचवा क्या कहा है? वेद। और 19वां क्या कहा है? पुराण। 19वां क्या कहा है? पुराण कहा है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे आप, मेवाड़ राजघराना के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या था? मेवाड़ राजघराना के अंत्येष्टि स्थल का नाम था महासती, यानी महासती था। तो ये इसका महासत्य दे रखा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके, निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? वरिक वंश ने जो शासन किया था वो दोस्तों किया था बयाना पे। किस पे? बयाना। बयाना इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के किस भाग में, यानी अपन, हाँ ये उसके बाद में है, ये रहा देखो, ये आ गया गोगाजी। गोगाजी का संबंध किससे है? तो गोगाजी का संबंध है ददरेवा से, है ना, ददरेवा से। उसके बाद में हड़बू जी का बुडोल से, किससे है? बुडोल से। उसके बाद में है आपके पाबू जी का संबंध है भाई साहब आपके कोहू से, है ना। और उसके बाद में फत्ता जी का संबंध है साथू से। तो इसका आंसर हो जाएगा एक में दो, यानी पहला आंसर ही क्या हो जाएगा? सही, 1-3-4-1। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यहाँ पे है आपके, हाँ
कनपटे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? कनपटे जोगी है ना, कनपटे जोगी केसरिया वस्त्र धारण करते हैं, वो गाते हैं जीण माता के। किसके? जीण माता के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीण माता। कौन सा हो जाएगा? जीण माता। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पशु मेला जिला सही सुमेलित नहीं है? तो देखो, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ बिल्कुल सही है, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर सही है, गोगा मेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ सही है, रामदेव जो पशु मेला है वो नागौर, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आकल काष्ट जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में है? तो आकल फास्ट है वो आपके जैसलमेर में हो जाएगा। कौन से में हो जाएगा? जैसलमेर, जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्नलिखित में से राजस्थान के राज्यसभा 2022 में निर्वाचित नहीं हुए थे? तो घनश्याम तिवाड़ी। कौन नहीं हुए थे? घनश्याम तिवाड़ी। अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है तो मीठालाल जैसलमेर से संबंधित था, बिल्कुल सही है। किशनलाल जोशी भरतपुर से संबंधित था, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी बांसवाड़ा से संबंधित था। पंडित हरिनारायण शर्मा अलवर से, तो इसका आंसर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ। कौन सा हो जाएगा? भूपेंद्र नाथ। ताड़ना व मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित था? ताड़ना मोरबंदिया विवाह है वो गरासिया जनजाति से संबंधित था, यानी गरासिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गरासिया। अगले जो क्वेश्चन है वो उसके बाद में, अभी आपके सामने पॉलिटी के जो नागर सर हैं वो पॉलिटी के 5-7 जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो भी और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में और चर्चा करते हैं। अभी नागर सर आएंगे और आपके बारे में वो जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं उनको बताएंगे कौन कौन से इसके सही आंसर हैं, कौन कौन से नहीं है। हाँ, तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे और भी लोग अपने आंसर लगा सकें। पॉलिटी सर, मुझे बता दो, नहीं मैं करता रहूँगा। हाँ, तो देखें आप, ये पहले से कहाँ से होगा वो? कैसे करते करते नहीं, शायद वैसे भी हो जाएगा। देखिए भाई, पॉलिटी के भी बताते हैं आपको आंसर क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा। तो इसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। अरे बिल्कुल नहीं, कैबिनेट मंत्री क्यों है, राज्य मंत्री भी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003, उसमें 15% मंत्री मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या हो सकती है। इस वजह से यहाँ पे अपने 200 विधानसभा सीटें, तो इसका मतलब हो गया 30 मंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल राइट है। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, बिल्कुल राइट है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वो पूछ रहा असत्य। तो यानी राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, बिल्कुल गलत है। तो यानी ये हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पॉलिटी के आपको क्वेश्चन जो बताना चाह रहा हूँ, जो आप अभी सर पोस्टवाल सर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाले सर बता रहे थे, अब मैं पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आपके आए हैं, अच्छे सवाल हैं, क्वेश्चन अच्छे बनाए हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। कल की जो शिफ्ट थी उससे तो बेहतर सवाल हैं, उनसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो नंबर एक क्वेश्चन की बात करते हैं जो पॉलिटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछा था? असत्य है। तो नंबर एक है, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, यानी कि ये कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए सही है। बता देता हूं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए, राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये भी कैबिनेट के अंदर जो होते हैं विभाग, वो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, ये भी सही है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, क्योंकि वर्तमान में 18 तो कैबिनेट मंत्री हैं, 18 तो कैबिनेट मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं,
तथा 10 उप राज्य मंत्री हैं, 10 राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार 29 टोटल हैं, 30 मंत्री हो सकते हैं। ये यानी कि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन बी का यानी कि ये राइट आंसर है, ये सी है, फिर डी है। तो आपका आंसर क्या पूछा, इसमें असत्य है, तो आपका आंसर क्या है, ए, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि असत्य कथन पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। असत्य पर इन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना था आपको, क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है वो अपनी यहीं से होती है, सत्य है असत्य है, तो हम डायरेक्टली इस पर तो ध्यान देते नहीं है, तो देख लेते हैं कि कौन सा सही है और हम टिक लगाते हुए चलते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन पूछा है आपका, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राजप्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पॉलिटी से है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य, मेन उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी सही है। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटें करना, ये सीटों का आरक्षण भी यहाँ पर दिया गया है। मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल भी यहाँ पर किया गया था, और विधान केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई थी। तो मेरे अनुमान के आधार पर इसका आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि तीनों 1, 2, 3, 4 सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप आते हैं, पॉलिटी से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। तो आपके 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर हम आते हैं, फास्टली हम देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चन तुरंत आप टिक कर सके। नंबर एक, पंचायत, ये क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रम के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। तो आपको होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर, किस स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर आपका ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सर ने बता रखा है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। तो ध्यान रखना, बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना साहब, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। इसमें किसका समझौता हुआ था, कांग्रेस का समझौता, कांग्रेस अधिवेशन में समझौता हुआ बाल गंगाधर तिलक और मुस्लिम लीग, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। उसमें मुख्य महत्वपूर्ण मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना साहब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन नंबर 17 हम आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। तो आपको पता होना चाहिए, पैसा एक अधिनियम है, पैसा एक्ट है, दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था, बिल्कुल ये भी सही है, इसके बारे में हम डिटेल से भी देखेंगे। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं, रीति रिवाजों, सुरक्षा एवं संरक्षण करना, ये भी सही है। अगला हम देखते हैं, पैसा अधिनियम 1996 अनुसूची 5 से 9 राज्यों में लागू है, 9 की जगह ये 10 राज्यों में लागू है, कितने राज्यों में लागू है, 10 राज्यों में लागू है। तो आपका ऑप्शन डी क्वेश्चन है वो सही होना चाहिए, यानी कि ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, इसमें पूछा था असत्य है, तो असत्य यानी कि आपका ये तो गलत, ये गलत, ये गलत, यानी कि आंसर डी इसके अंदर राइट है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं, आंसर डी इसके अंदर राइट है। अगला क्वेश्चन हम पॉलिटी का देखते हैं, जो आपके पॉलिटी से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, 36वें नंबर का आपका जो क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं। योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यानी कि योजना आयोग को दिए गए संस्थानों में से, ध्यान रखना क्वेश्चन को पढ़ना है, योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। आपका आंसर मेरे अनुमान के आधार पर नीति आयोग होना चाहिए, कौन सा आयोग होना चाहिए, नीति आयोग होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 38 का, सर ने बता रखा है, नहीं बता रखा है,
यानी कि राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में हुई थी। राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? ध्यान रखना, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 कर्जन था ही नहीं उस समय, कार्यकाल कर्जन का था ही नहीं। प्रांतीय परिषद अधिनियम उस समय भी नहीं था, यानी कि बंगाल का विभाजन, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इसका कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक। कब तक था? 1899 से लेकर 1905 तक कर्जन का कार्यकाल रहा। और कर्जन के कार्यकाल में हम देख सकते हैं, इसको भी गलत कर सकते हैं, अगर इसका कार्यकाल आपको पता है तो इसको भी हम गलत कर सकते हैं, यानी कि आपका 39वां क्वेश्चन राइट है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं पॉलिटी के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर क्या है आंसर क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि असत्य है? क्या है? असत्य है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि क्या है? असत्य है, कूट सही नहीं है। या ध्यान रखना, जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है, बिल्कुल करता है। अगला पढ़ते हैं, रामसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है, बिल्कुल गलत। सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था, यह भी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऐसा सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसके अंदर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सर, क्वेश्चन नंबर 57 पर हम आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 57 को हम देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हो। नागेंद्र कुमार जैन, कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास और सैयद सगीर अहमद। तो आंसर इसका होना चाहिए सैयद सगीर अहमद साहब। कौन से होने चाहिए? सैयद सगीर अहमद साहब। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 62 है। 62 का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित तो नहीं है? 243S वार्ड समितियों का गठन, बिल्कुल सही, सुमेलित तो नहीं है, यह सही है। 243JD महानगर योजना समितियों का गठन, यह भी सही है। जिला योजना समिति का गठन जेड डी, ये इसमें क्या है? ZC 243ZD, तो आंसर आपका सी। 243R में नगर पालिकाओं की संरचनाओं का उल्लेख किया गया है, यह भी आंसर आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण, 75 का आंसर है अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 1967 में कब लगाया गया? 1967 में लगाया गया, 1967 में। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो पॉलिटी से संबंधित है। आपका क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन राजस्थान में राज्यसभा चुनाव,
सॉरी, टेक्निकल टीम को बुलाते हैं अभी। नाइन्टी एट वा क्वेश्चन कहाँ है? 98 एट, यस। चलो सर ने लगा रखा है। आई थिंक मेरे हिसाब से निम्न में से कौन सा राजस्थान में राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ? तो आई थिंक मुझे सुभाष चंद्रा इसके अंदर आंसर होना चाहिए। आई थिंक इसके अंदर निम्न में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ? घनश्याम तिवाड़ी जी तो हुए, प्रमोद कुमार मुकुल बालकन से भी, सुभाष चंद्रा आई थिंक आंसर मेरा होना चाहिए डी। फिर भी डाउट है तो क्लियर कर लीजिएगा। ये आई थिंक मेरे को सर ने ऐसा लगता है घनश्याम तिवाड़ी जी को पिछले वाले बता दिए हैं, 2022 में सुभाष चंद्रा जी हैं। आंसर इसका सुभाष चंद्रा जी होना चाहिए। और पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पर फ्री होते हैं, आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चंस हैं जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स तो मैं देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है इसका, इस बोर्ड का मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो आंसर और क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपको संबंधित है। मैं आपके कमेंट्स को बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है इस बोर्ड पर ज़्यादा पढ़ाने का, मैं तो ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ाता हूँ। पॉलिटी से संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है ये इसको थोड़ा सा बता दें। जब तक ज्योग्राफी के लिए सर आंसर लगाएं आपके, तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं कि सर इसमें तो ये आंसर होना चाहिए था। डाउट है किसी भी प्रकार का, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे, मैं कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी देख रहा हूं आप लोगों का, आप मुझे पूछ सकते हैं। नो डाउट किसी भी प्रकार का कमेंट्स आपको है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कि सर आपने ये आंसर बताया है, इसमें दूसरी कोचिंग संस्थान ने ये आंसर बताया है, किसी दूसरी कोचिंग संस्थान ने कोई आंसर बताया है, दूसरा आंसर बताया है, तो आप मुझे डाउट क्लियर कर सकते हैं। आर्टिकल्स भी अगर आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे को अनुभव नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि मेरे साथ मैं बोर्ड को देखता हूं तो कैमरे की तरफ नहीं देखता, और कैमरे की तरफ देखता हूं तो कमेंट्स को नहीं देखता। बच्चे भी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है दो दिन से, कल भी मैं सामने आया तो कल भी मुझे बता रहे थे कि सर फेस नहीं दिख रहा, तो फेस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैं पहली बार इधर आया हूँ और ये बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके ऊपर पहली बार मैंने ये क्लासें ली हैं। फिर भी धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोगों से के साथ। आप लोगों को आंसर में कोई डाउट होना ही होना चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है आपको किसी भी प्रकार का, एनी डाउट्स, किसी भी प्रकार का कोई डाउट सर कमेंट कर सकते हैं आप लोग मुझे, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आर्टिकल से संबंधित डाउट है। हाँ, सारे फेज को हम लेंगे, जो अपना क्लासें होंगी उस लाइव सेशन में भी लेंगे, अभी फिलहाल केवल आंसर की लगाना था जो लगा दिया मैंने। तो अब ज्योग्राफी वाले सर आएंगे और ज्योग्राफी के लिए सर आपको बताएंगे। देखिए भाई, ज्योग्राफी के क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं ज्योग्राफी के अंदर, है ना। शुरू से ही देख लेते हैं, पहले नंबर से ही। सर यहाँ पे है नहीं है मनीष जी, और उन्होंने आंसर लगा के भेज दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ इनके आंसर कौन कौन से हैं, सही कौन सा माना गया है। तो पहला जो क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो इसका जो आंसर है वो है लूनी बेसिन। कौन सा होगा? लूनी बेसिन, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? लूनी बेसिन हो जाएगा, दूसरे में आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा छठा जो क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखेंगे, छठा क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन आपका यह है, हाल ही में जारी वैश्विक भू सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों? तो वैश्विक भू सूचकांक में 107 रहा है, 107वां। कौन सा रहा है? 107वां। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 107। उसके बाद में है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है जो है, तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा यानी चावल गेहूं और दालें, ये प्रमुख क्या होगा उद्देश्य होगा चावल गेहूं और दालें। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन हमारा होगा, यानी इसमें है नहीं है अपना क्वेश्चन, अगले पेज पर है, देखते हैं अगले पेज पर कौन सा क्वेश्चन है, यानी चार नंबर का, यानी बात करें 13 नंबर, और उसके बाद में है अगला क्वेश्चन 5वें पेज पर देखेंगे, यानी यहाँ पे हमारा यानी डायरेक्ट है आपका जो 19वां क्वेश्चन, कौन सा 19वां क्वेश्चन, 19वां जो क्वेश्चन है उसमें आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र सही सम्मिलित है, तो कोयला क्षेत्र है ओडिशा, ओडिशा हो जाएगा इसका आंसर, ओडिशा संबलपुर, ओडिशा संबलपुर इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगले पेज पर 21वां क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन देखेंगे आप, यानी आपके कौन सा क्रम का है, लेकिन मेरा मेरे हिसाब से निम्नलिखित में से किन्हें पर्वन सिंचाई बृहद सिंचाई सुविधा मिलेगी, तो इसमें जो आंसर माना जाएगा झालावाड़ 12 कोटा जिलों के 637 गांवों को, 637 गांवों को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल। उसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध जो सेवाओं में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों, खाद्य प्रसंस्करण, कौन सा है खाद्य वाला, यानी सी वाला हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उसके बाद में है 27वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, वो है दोस्तों धौलपुर, इसका आंसर क्या हो जाएगा धौलपुर, यानी डी आंसर इसका क्या माना जाएगा सही, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, तो किसमें हो जाएगा धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन है आपका 21वां क्वेश्चन है, वो 21वां क्वेश्चन देखेंगे आप कौन सा 21वां क्वेश्चन, यानी 21वां क्वेश्चन तो हमारा हो गया, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, यानी 31वां डायरेक्ट 31वां क्वेश्चन है हमारा, रातानाड़ा हवाई अड्डा मैंने आपको बताई दिया जोधपुर हो गया। उसके बाद में अगर बात करें सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सलाल जो परियोजना है वो दोस्तों है वो है आपके चिनाव नदी पर, कौन सी नदी पर चिनाव नदी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से घटता हुआ क्रम पूछ रहा है, तो घटता हुआ क्रम जो आएगा वो आएगा डी, यानी कर्नाटक केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक केरल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बिल्कुल यही आ जाएगा। हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 8वें पेज पर, यानी 35वां, राजस्थान में मक्का खेती के प्रमुख जिले हैं, मक्का खेती के प्रमुख जिले हैं दोस्तों मक्का खेती के, तो इसमें 35वें में आ जाएगा डी चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और बूंदी, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और बूंदी। उसके बाद में राजस्थान नीति आयोग मैंने करवाई दिया योजना आयोग के द्वारा, तो ये नीति आयोग हो गया उसका योजना आयोग का नाम बदलकर। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला 44वां क्वेश्चन होगा डायरेक्ट, यानी 44वां जो क्वेश्चन है वो है आपके हाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो 44वें में होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय क्या हो जाएगा सदाबहार हो जाएगा बिल्कुल। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में AW हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा AW हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में है आपके 51वां क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, 51वां जो क्वेश्चन है वो है कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं पूछ रहा है तो सुमेलित हो जाएगा, यानी सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा ए आंसर, रॉक फास्फेट जो बरोड़िया है इससे संबंधित नहीं है, सीसा दस्तर रामपुरा गुचा है, फ्लोराइट मांडो की पाल है, डोलोमाइट बाजला कावरा है, तो इसका आंसर ए माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 54वां जो क्वेश्चन है, यानी ये राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता, दोस्तों राज्यपाल नहीं होता है, कौन नहीं होता है राज्यपाल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा राज्यपाल। राजस्थान की ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पे की जा रही है, तो ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है दोस्तों बाड़मेर, कौन सा आंसर हो जाएगा बाड़मेर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप अगले पेज पर, 59वां क्वेश्चन है, 59वां क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक जो क्षमता विद्यमान है, तो पवन ऊर्जा की जो सर्वाधिक जो क्षमता विद्यमान है वो है तमिलनाडु में, कौन से में है तमिलनाडु में, है ना। उसके बाद में है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना हुई थी,
तो इसकी जो विकास की स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को हो जाएगी। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा अगले पेज पे 66वां क्रम का है, यानी 66वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इसका जो आंसर बताया गया है कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, तो क्रम से 74 एवं 26 प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा आंसर। उसके बाद में है मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तो इस मलाज खंड हो जाएगा तांबे से, किससे हो जाएगा तांबे से, इसका आंसर क्या हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 70वां क्वेश्चन यानी 70वां क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं, तो सोयाबीन में हाड़ौती पठार आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा हाड़ौती पठार। उसके बाद में है 1 अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, जिनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो किस राज्य में है दोस्तों तमिलनाडु में, किस में है तमिलनाडु में, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 73वां जो क्वेश्चन है वो है गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है, तो 73 में हो जाएगा थुमली गांव बाड़मेर, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति योजना जो परियोजना है वो किस में है थुमली गांव बाड़मेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप अगले पेज पर, यानी 79वां क्वेश्चन है 79वां, यह है राजस्थान में किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है, तो एंटीसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों पश्चिमी भाग में, कौन से में पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं, भारत में कुल भारत में पूछ रहा है 75, कितनी है 75, तो इसका आंसर 75 हो जाएगा। अगला देखेंगे आप अगले पेज पे 82वां जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखें भाई 82वां क्वेश्चन यानी 82वां जो क्वेश्चन है, भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबॉर्न सर्वेक्षण तकनीकी का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है, तो यह आंसर आ जाएगा जोधपुर, कौन सा आ जाएगा जोधपुर, बिल्कुल जोधपुर आ जाएगा। हाँ उसके बाद में है 84वां क्वेश्चन, यानी वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर 2011-12 कीमतों पर सकल ब्याज मूल्य वर्धन क्षेत्र की है योगदान है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपके 84 में है 24.80। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाज्मा का निर्माण कहाँ पे किया गया था, तो खादी प्लाज्मा का जो निर्माण उद्योग किया गया था ये किया गया था जयपुर, कहाँ पे हो जाएगा जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है, दोस्तों भारत में तो सर्वाधिक कोसी में है केरल में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है आपके 90 नंबर का है, यानी 2011 की जनगणना, यानी 11 की जनगणना के तीन क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, तो सी कौन सा हो जाएगा सी जयपुर जोधपुर अलवर नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर और नागौर। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है, है ना सुमेलित नहीं है, तो इसका एक जो हो जाएगा बात्रक, कौन सा हो जाएगा बात्रक बांसवाड़ा, बात्रक है बांसवाड़ा हो जाएगा। उसके बाद में 93वां में हो जाएगा 93वां में, यानी रामदेव पशु मेला नागौर हो जाएगा, रामदेव पशु मेला नागौर हो जाएगा। उसके बाद में है आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है, जैसलमेर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे कौन सा है, हाँ ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट होते हैं। अब देखें आप यहाँ से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, घर जाके पढ़ना है, यानी उन्हीं को हल करना है, यानी इससे संबंधित 2011 की जनगणना के हैं तो वो पढ़ लेना। अब रही बात जीके की, तो जीके का तो पेपर थोड़ा बढ़िया था, ठीक ठाक था, नॉर्मल था, राजस्थान जीके में कला संस्कृति का पेपर तो आपको पता होगा कैसा था कैसा नहीं था, सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल चुके हैं। ज्योग्राफी के भी सर बता रहे थे कि मैंने जितने भी पढ़ाए नोट्सों में से एक भी बाहर नहीं आया है, रीजनिंग के भी आपको बढ़िया सपोर्ट रहा है, और जो सब्जेक्ट है सर से बात करेंगे, अब कल मुलाकात करते हैं कितने बच्चों का कितना एवरेज रहता है, तो शाम को या तो शाम को परिचर्चा करते हैं या फिर है ना जो परसों के दिन सुबह हो कल शाम की बच्चों से राह लेते हैं तुम कितने करके आए हो, वो एक बढ़िया तरीके से अपन देखते हैं क्या एवरेज रहेगा क्या नहीं रहेगा, पेपर कैसा था कैसा नहीं था, तो और उसके बाद में कितने क्वेश्चन करने की आवश्यकता थी, तो वो सारी बातें अपन करेंगे कल। अब देखते हैं
उन्नीस हिंदी पहले हिंदी का तो करवा दे यार। देखते हैं अपन अब हिंदी के आंसर देख लेते हैं हिंदी के क्या क्या है। हाँ हिंदी के ये खाएं इकतीस में खाएं ये अच्छा ठीक है। हाँ तो देखते हैं यहाँ पे 131वां क्वेश्चन है हिंदी के आंसर देख लेते हैं अपन हिंदी के क्या क्या आंसर हैं। देखते हैं 31वां हाँ यहाँ से देखेंगे हिंदी का संधि की दृष्टि से भारत संधि की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए इसमें आपके आंसर होगा बी अध प्लस पतन बराबर अधपतन कौन सा हो जाएगा अधपतन वाला हो जाएगा। 132 में किस विकल्प के सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं अर्जुन के पर्यायवाची हैं दोस्तों तो इसमें डी आंसर हो जाएगा धनंजय पार्थ और कौनते कौन सा हो जाएगा कौनते। उसके बाद में है सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है तो सार्वनामिक जो विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है तो वो हुआ है वह घर अभी बना है वह घर अभी बना है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद में समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए असंगत सुनना है इसमें तो लाजवाब जवाब के साथ लाजवाब जवाब के साथ वाला आंसर क्या हो जाएगा सही इसका आंसर सही माना जाएगा। उसके बाद में है आपके अशुद्ध वाक का चयन कीजिए अशुद्ध वाक क्या है थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए थोड़े समय बाद छात्र क्या लौट आए वापस लौट आए तो ये गलत है। इसका निम्न किस विकल्प के शब्द दो से अधिक उपसर्गों से निर्मित है तो इसमें आंसर हो जाएगा दुरुद्ध व्यवसाय समुदाहरण यानी डी आंसर इसका क्या हो जाएगा सही। उसके बाद में है सुमेलित कीजिए मूल स्वर दीर्घ स्वर अल्प व्यंजन अश्वघोष इसमें हो जाएगा डी आंसर यानी एक दो तीन और चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है तो इसमें आंसर है किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत करने के लिए किसी तथ्य को स्पष्ट संकेत करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा। 139 में है किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है तो कर्कश यानी मधुर कर्कश से मधुर हो जाएगा। 140 में है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है तो इसमें सी आंसर हो जाएगा पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी पुलिस ने चोर को क्या मारी बड़ी मार मारी तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अभी अपन देखते हैं साइंस के क्वेश्चन यानी साइंस के जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हैं तो ये देखते हैं अपन साइंस के क्वेश्चन 107 यानी यहां से है दूध हाँ साइंस के हैं साइंस के क्वेश्चन है दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है तो इसका आंसर हो जाएगा रेनिन कौन सा हो जाएगा रेनिन आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद में है भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है चीनी पानी में घुलना चीनी का पानी में क्या करना घुलना इसका आंसर सही हो जाएगा। 109 निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं के वायरल रोग है पशुओं का एक वायरल रोग है तो नीली जिव्या रोग कौन सा नीली जिव्या रोग इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो दो पॉइंट पाँच प्रतिशत हो जाएगा। उसके बाद में एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो इसका आंसर होगा बी यानी मधुमक्खी से संबंधित है किससे है मधुमक्खी से संबंधित हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में है अगला यानी 112वां जो क्वेश्चन है वो है आपके जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है तो इसका आंसर होगा सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस सी आंसर सही हो जाएगा सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में 200 मीटर लंबे तार पर तार का प्रतिरोध 21 क्यों है यदि इसकी मोटाई व्यास 0.44 मिमी है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध आसपास होगा तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1.6 × 10 से
जो वाला ए वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, तो इसमें हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बंधन ऊर्जा और परमाणु भट्टी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा ए, आप मिलान कर लेना, यानी ए आंसर हो जाएगा। ए में दो है, बी में एक है, सी में चार है और डी में क्या है, तीन है। और अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए, तो सत्य कथनों का चुनाव करना है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका, हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपके एक और दो सही है, इसमें एक और है, दो सही है, यानी 5% से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं, और उसके बाद में वसा के जल अपघटन में ग्रिसलोल यानी कार्बोलिक अम्ल प्राप्त होते हैं, तो एक और दो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप अपने अपने सभी पेपर को मिला लें, हाँ हिंदी हो गई, हिंदी हो गई, और सभी अपने अपने पेपर को मिला लें और सभी देख लें नोट्सों में जाके क्या क्या मिला है, क्या क्या हमने पढ़ाया है आप लोगों को, और जो उसके बाद में आप फिर एक बार दोबारा से चयन करें कि हमें बढ़िया पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कितने आंसर नोट्सों से मिले हैं, कितने आंसर नोट्सों से नहीं मिले। इसी के साथ लेते हैं विदा, और शाम को फिर पेपर हल कराने के लिए यानी 5 बजे तक, 5:30 बजे तक जो पेपर है, उसके बाद में 6:15